बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम एतसाज़ मेहदी खान, वेलकम टू मेहदी स्टेट्स। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 8 मरले ट्रिपल स्टोरी घर लेके आया हूँ। बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम पहले बना है, कोई साल हुआ होगा इसको। या आप इसके आसपास देखें, इसकी स्ट्रीट देखें, स्ट्रीट एक्सेस इसको बहुत अच्छी है। मेन गाला विला रोड के साथ ही बिल्कुल टच है। मेन गाला विला रोड जो है वो बाराकू और सिमली बनी गाला को कनेक्ट करता है। घर में हमारे पास दो मेन गेट हैं, सेपरेट ट्रिपल स्टोरी है, 6 बेडरूम, 3 किचन हैं, 2 ड्राइंग रूम हैं। अभी ये जो बेसमेंट वाला मेन डोर है, इसे हम जैसे एंटर हुए, हमारे पास ये बड़ा हॉल है, इसको कार पार्किंग बनाया जा सकता है या वैसे हॉल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 बेडरूम हैं, 1 ड्राइंग रूम है और 1 किचन है। किचन में अभी वुड वर्क बाकी है। स्टेयर्स के साथ आप कबर्ड देख सकते हैं। इस घर की लोकेशन गाला विला रोड, बाराकू, इस्लामाबाद। वीडियो के एंड पे इसका मैं आपको मैप शो कर दूंगा, जिससे आपको इसके लोकेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। इसको सिमली डैम रोड से भी एक्सेस है बाराकू की तरफ, और बनी गाला से भी एक्सेस है। ये आप इसका किचन देख सकते हैं बेसमेंट का, अभी इसमें वुड वर्क बाकी है। यहाँ पे हमारे पास 2 बेडरूम हैं अटैच वाशरूम के साथ। ये फर्स्ट बेडरूम, इसमें हमारे पास वाशरूम है और एक डोर है जो लॉन्ड्री एरिया और वेंटिलेशन के लिए है। घर में बहुत अच्छा काम हुआ है, सीलिंग आप देखें बहुत अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। घर की प्राइस जो है वो 1,25,00,000 डिमांड है। ये इसका वॉशरूम, फर्स्ट वॉशरूम। इस घर में बिजली पानी मौजूद है, पानी का बोर हुआ हुआ है, गैस अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये सेकंड बेडरूम, इसमें हमारे पास विंडो और वॉशरूम है और एक कबर्ड दी गई है, फुल वॉल कबर्ड है। माशाल्लाह घर में बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, वुड वर्क जहाँ हो, सैनिटरी का काम है, बाकी सारी चीज़ें। और जो इसके टॉप फ्लोर पे व्यू है वो बहुत कमाल का है, क्योंकि ये पहाड़ की चोटी पे कह रहे हैं या हिल टॉप पे बना हुआ है, तो इस वजह से सारा बाराकू और बनीगाला नीचे से नज़र आता है। ये इसका मेन डोर, यहाँ पे स्टेयर्स हैं, साथ में रेलिंग है। ये कारपोर्च आ गया, ये भी एक बड़ी गाड़ी का कारपोर्च है। सामने हमारे बिल्कुल ड्राइंग रूम है। स्टेयर्स के नीचे अगेन कबर्ड्स दी गई हैं स्टोरेज स्पेस के लिए, और स्टेयर्स हैं जो नीचे बेसमेंट और इस फ्लोर को कनेक्ट करती हैं। भैया मैं ड्राइंग रूम दिखा दूं, इसमें हमारे पास विंडो दी गई है और डोर है जो अंदर टीवी लाउंज से एक्सेस है इसको। ये आप स्टेयर्स देख सकते हैं जो बेसमेंट के अलग डोर है जो बाहर से भी एक्सेस है और अंदर से भी स्टेयर्स हैं। ये हमारे पास मेन एंट्रेंस आ गई, सामने आपको 2 बेडरूम्स नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट पे किचन है, ये ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज आ गया, टीवी लाउंज में भी विंडो दी गई है, और यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग रूम आ गया। 1,25,00,000 घर की डिमांड है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाइज और ट्रिपल स्टोरी है, 8 मरले जगह है, उस हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छी कीमत में मिल रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट बेडरूम है, इसमें वॉशरूम है, विंडो है और एक फुल वॉल कबर्ड है। वुड वर्क घर में बहुत अच्छा हुआ है, पूरे हर घर में, हर रूम में ऑलमोस्ट कबर्ड दी गई है और फुल वॉल कबर्ड है। स्टोरेज स्पेस की कमी नहीं है घर में, बेडरूम साइजेस भी अच्छे हैं, वॉशरूम अच्छे बनाए हुए हैं, सेंट्री का काम अच्छा है। फुल हाई क्वालिटी का नहीं है, लेकिन बिल्कुल लो लेवल का भी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। ये सेकंड बेडरूम आ गया, इसमें भी अगेन आप देख सकते हैं फुल वॉल कबर्ड है, वॉशरूम और विंडो दी गई है। ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का किचन है।
जो वुडवर्क का थीम है पूरे घर में एक सा रखा गया है। आप देख सकते हैं किचन है, कबर्ड्स हैं, तो एक अच्छा फील आता है। इसमें हमारे पास विंडो भी है। अभी आपको मैं फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ। स्टेयर्स भी आप देखें मार्बल इस्तेमाल किया गया है, साथ में स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है। ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे ओपन स्पेस दी गई है सिटिंग के लिए और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी अगर ड्राइंग रूम बना के और इसको बंद कर दिया जाता तो ये वाला फील ना आता शाम टाइम, क्योंकि ये हिल टॉप पे है तो वैसे ही यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे पास सामने दो बेडरूम हैं, एक किचन है यहाँ पे और ये सारी सिटिंग स्पेस है। ये हमारे पास फर्स्ट बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे आप अगेन फुल वॉल कबर्ड, साथ में वॉशरूम है, वॉल्स पे पैनलिंग हुई हुई है। ये वॉशरूम देख सकते हैं। तो टोटल घर में 6 बेडरूम, 6 वॉशरूम, 3 किचन हैं, 2 ड्राइंग रूम हैं, 1 टीवी लाउंज है और 2 गेट हैं, एंट्रेंस सेपरेट हैं। ये सेकंड बेडरूम, इसमें भी हमारे पास कबर्ड, विंडो और वॉशरूम है। ये थर्ड किचन आ गया। किचन साइजेस अच्छे हैं और वुडवर्क जो है वो स्टाइलिश सा हुआ हुआ है। अगर इसके मैप की बात की जाए तो टोटल 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 26 मिनट का फासला है सरीना चौक तक। इसको 2 एक्सेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं गाला विला रोड पे ये लोकेटेड है, तो बनीगाला से भी इसको एक्सेस है और सिमली डैम रोड से भी है। मैप इसको बनीगाला से एक्सेस शो कर रहा है क्योंकि ईजी है। बनीगाला से अगर हम जाएँ तो इमरान खान चौक तक, इमरान खान चौक से कोरंग रिवर रोड, कोरंग रिवर रोड से मरी रोड, मरी रोड से कश्मीर हाईवे और वहाँ से सरीना चौक। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।